दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको मात्र 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देना होगा और जिनके आंसर देने से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप अभी नोस्ट्रा प्रो को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं इस लिस्ट की तो नंबर 8 की टीम है वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन में दो बड़े दिग्गजों को लिया है, कॉलिन इनग्रम और सेरफेन रदरफोर्ड को, जिनमें से ये ओपनिंग कराने वाले हैं कॉलिन इनग्रम को बिल्कुल पक्के तौर पर, और एक और जो दूसरा ओपनर रहने वाला है वो रहने वाले हैं शिखर धवन, और यही इस टीम की कप्तानी भी करने वाले हैं। नंबर 7 की टीम की बात करते हैं वो है राजस्थान रॉयल्स। स्टीवन स्मिथ ने वापसी कर ली है यहाँ पर और वापसी करते ही ये ओपनिंग करने वाले हैं और जिनका साथ देंगे जॉस बटलर। जॉस बटलर का जिस प्रकार से फॉर्म में वापसी हुई थी आईपीएल 2018 के दौरान, तब से अभी तक इनका फॉर्म लगातार बरकरार चल रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आईपीएल 2019 में स्टीवन स्मिथ और जॉस बटलर यहां से ओपनिंग करने वाले हैं। नंबर 6 की टीम है वो है सनराइजर्स हैदराबाद। यहां पर भी इनके कप्तान ने वापसी की है डेविड वार्नर ने, लेकिन कप्तानी तो यहां पर केन विलियमसन ही करने वाले हैं, लेकिन जो ओपनिंग की बात है वो करने वाले हैं डेविड वार्नर, और शिखर धवन की जो जगह खाली बची है वो जगह लेने वाले हैं जॉनी बेयरस्टो। इस समय जॉनी बेयरस्टो का फॉर्म दुनिया भर की सभी लीग में अच्छा चल रहा है और आईपीएल में भी इनसे खासी उम्मीदें हैं। नंबर 5 की टीम जो है किंग्स 11 पंजाब। यहां से जिस ओपनर ने लास्ट ईयर भी ओपनिंग की थी वही यहां से ओपनिंग करने वाले हैं। क्रिस गेल और केएल राहुल की जोड़ी आईपीएल 2019 में भी देखने को मिलने वाली है, और अगर इनका टीम मैनेजमेंट चाहता है तो निकोलस पूरन को भी मौका दे सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ी रकम देकर इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। नंबर 4 की टीम की बात करते हैं जो है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स में ओपनर्स के तौर पर तो क्रिस लिन और रॉबिन थप्पा को रखा गया है, लेकिन ओपनिंग करने वाले हैं क्रिस लिन और सुनील नरेन। लगातार पिछले 2 सालों से सुनील नरेन अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं। नंबर 3 की टीम की बात करते हैं वो है मुंबई इंडियंस। लास्ट ईयर इनके पास एक तो परफेक्ट ओपनर था एवन लुइस, लेकिन दूसरा परफेक्ट ओपनर नहीं था, यहाँ पर ओपनिंग कर रहे थे सूर्य कुमार यादव और मिडिल ऑर्डर में मजबूती प्रदान करने के लिए रोहित शर्मा खेल रहे थे, लेकिन इस बार ओपनिंग के लिए इन्होंने एक बैट्समैन खरीदा है जो है क्विंटन डीकॉक। तो यहाँ से ओपनिंग करने वाले हैं क्विंटन डीकॉक और एविन लुइस। नंबर 2 की टीम की बात करते हैं जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यहाँ पर एक तो परफेक्ट ओपनर है इनका पार्थिव पटेल जो ओपनिंग ही करते हैं, लेकिन जो दूसरा ओपनर का स्पॉट है वहां पर अब तक ब्रैंडन मैकुलम खेलते थे, क्विंटन डीकॉक खेलते थे आईपीएल 2018 में, विराट कोहली खेलते थे, लेकिन इस बार दोनों ही प्लेयर्स नहीं हैं। लेकिन ऑक्शन के दौरान इन्होंने जो एक बड़ा प्लेयर टीम में शामिल किया है वो है सिमरन हेटमायर। तो यहां से सिमरन हेटमायर और पार्थिव पटेल ओपनिंग करने वाले हैं। नंबर 1 की टीम जो है चेन्नई सुपर किंग्स। अभी भी इन्होंने ओपनिंग में चेंजेस नहीं किए हैं, हालांकि ऋतुराज को ऑक्शन से खरीदा जरूर है, ओपनर बैट्समैन है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इन्हें शुरुआती मैचेस में खिलाया जाएगा या फिर सीएसके की टीम प्लेइंग 11 को चेंज करेगी। तो यहां से ओपनिंग करने वाले हैं फाब्डू प्लेसेस और अंबाती रायडू। आईपीएल 2018 में कितनी अच्छी ये ओपनिंग जोड़ी रही है ये तो हमने देखा ही है, और इन्होंने दिखाया भी है आईपीएल 2018 का टाइटल अपने नाम करके। तो दोस्तों ये तो रही वो 8 टीम और 8 टीम के 16 ओपनर्स यानी 8 ओपनिंग पेयर। आपकी क्या ओपिनियन है, आपका इनमें से कौन सा फेवरेट ओपनिंग पेयर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आईपीएल से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से मिल रही हैं, तो बाकी कुछ और आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।